साथियों नमस्कार, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल में आपका स्वागत है। साथियों आज हम लोग एक नए सीरीज के रूप में योग के साथ साथ मुद्रा चिकित्सा पे एक नई सीरीज का शुरुआत आप सभी मित्रों के मांग पे हमने शुरू किया है। साथियों लंबे समय से हमारे मित्रों ने मांग किया कि मुद्रा पे कुछ ऐसे एक सीरीज चलाई जाए जिसके माध्यम से हम मुद्रा को सही तरह से जान सकें। मित्रों उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने आज से मुद्रा चिकित्सा पे एक सीरीज का प्रारंभ किया है। और इस सीरीज की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में सार संक्षेप में साथियों मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि मुद्रा चिकित्सा के बारे में अभी तक चाहे यूट्यूब में हो या अन्य पुस्तक या अंतर ग्रंथों के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसका अभाव है। अभी तक केवल परंपरागत तरीके से लोगों ने इन मुद्राओं के बारे में जानकारी हस्तगत करता रहा है, किंतु इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या यूं कह सकते एविडेंस हमारे सामने नहीं है। किंतु हमने एक प्रयास किया है कि इसकी जो एविडेंस, इसकी जो साक्ष्य है, और इसके साक्ष्य साथियों कहाँ मिलता है आपको मैं बता दूं कि मुद्राओं के जो जानकारी, मुद्राओं का जो विशेष ज्ञान है वे तो तंत्र शास्त्र ग्रंथों में या फिर मंत्र शास्त्र ग्रंथों में वृहद रूप से वर्णित है। मंत्र शास्त्र ग्रंथ में कहा गया है मंत्र जो है वो ज्ञान शक्ति है, किंतु मुद्रा उसकी क्रिया शक्ति है। किसकी? परमात्मा की। अगर मंत्र का जप करते हैं तो आप ज्ञान अर्जित हो सकता है, लेकिन वो जीवन में उतरे इसके लिए मुद्रा का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। तंत्र शास्त्रीय ग्रंथ में कहा गया है मुद्रा तो जब साधना की आत्मा के रूप में है, आत्मा के रूप में अव्यक्त किया गया है। इसलिए मुद्राओं के बारे में और मुद्राओं में भी हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में मित्रों हमने एक पुस्तक की रचना की है, ये आप देख पा रहे हैं मुद्रा चिकित्सा विज्ञान। मुद्रा चिकित्सा विज्ञान एक ऐसा ग्रंथ है, एक पुस्तिका है जिसमें हमने तंत्र और मंत्र के ग्रंथों से संदर्भ के साथ, एविडेंस के साथ जो साक्ष्य हमने दिया है, बहुत मेहनत के बाद साथियों आपके सामने इस ग्रंथ को हमने रख पाया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ये ग्रंथ आपको प्राप्त हो तो आप इसे, जो नंबर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर से आप कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि इस विषय पे विशेष हमारा प्रशिक्षण कार्य हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो उस ग्रुप में भी प्रशिक्षण कार्य चलाया जा सकता है। यदि 10 से 15 व्यक्ति का ग्रुप है तो भी इसको प्रशिक्षण कार्य को आराम से चलाया जा सकता है। लेकिन मित्रों आप लोग का ये सीरीज प्रारंभ करने के पीछे कि आपको नॉलेज, कम से कम ऐसा इतना नॉलेज हो जाए जिससे आप मुद्राओं का प्रयोग कर सके। लेकिन चिकित्सा के दृष्टिकोण से विशेष तौर से प्रयोग करना हो तो आपको इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी होगा। तो साथियों मुद्राओं के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि योग के ग्रंथ है, योग के ग्रंथों में जिन मुद्राओं की चर्चा है वो यौगिक मुद्राएं हैं, और यौगिक मुद्राओं का प्रयोग गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के बिना नहीं करने का विधान दिया गया है, क्योंकि उससे हमें नुकसान हो सकता है। किंतु हस्त मुद्राओं का प्रयोग हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, जिसका हम प्रयोग करें तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान एक ही शर्त पे हो सकता है, उसका गलत प्रयोग यदि किया जाए। तो साथियों मुद्राओं के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इस मुद्रा जो सीरीज हमने प्रारंभ किया है, इस सीरीज के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे इस वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से देखें ताकि कोई भी स्टेप्स और कोई भी कड़ी छूटने ना पाए। संभवतः ये पंच तत्व की मुद्राएं, पंच प्राण की मुद्रा और महत्वपूर्ण एडवांस जितने भी इसकी मुद्रा है, उन सभी मुद्राओं के बारे में, एक एक मुद्राओं के बारे में एक एक अलग अलग वीडियो आपको यहाँ से दिया जाएगा। तो साथियों आप इसको देखते रहिएगा
और मुद्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी आप हस्तगत कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मुद्रा है क्या और मुद्रा ही क्यों, मुद्रा के बारे हमारे शास्त्रों में क्या चर्चा किया है। इस सीरीज में, इस क्रम में जो फर्स्ट भाग है, प्रथम भाग है, इस प्रथम भाग में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है एक वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इसे पसंद करेंगे। यदि अच्छे लगेंगे तो आप जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे प्रथम साथियों हम देखते हैं मुद्रा। मुद्रा है क्या? मुद्राओं के बारे में हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है, इन उन सभी पद्धतियों के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। मुद्रा विज्ञान, व्हाट इज द मुद्रा, मुद्रा है क्या, इस क्रम को हम लोग जानते हैं। मुद्रा का अर्थ और उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने से पहले इसे कुछ इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहा गया है कि आदि गुरु शिव द्वारा मां भगवती, मां जगत अंबिके, मां पार्वती को योग की समस्त विद्या भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया है। साथियों, चाहे वो योग की विद्या हो, चाहे वो तंत्र शास्त्र की विद्या हो या मंत्र शास्त्र की विद्या हो, मां भगवती पार्वती को आदि गुरु शिव ने ही प्रदान किया है। चूंकि आज क्रम हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुद्राओं के बारे में, तो आसन और प्राणायाम से भी श्रेष्ठतम विद्या के रूप में मुद्रा का स्थान है। घिरेन संहिता में महर्षि घिरेन ने कहा है कि प्रीतिदम योगिनाम चैव दुर्लभम मरुतामपि, ये विद्याएं योगियों को आनंद देने वाली तथा देवताओं के लिए दुर्लभ कहा गया है। अर्थात ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है मित्रों, कि हम लोग जो मुद्रा है, उस मुद्राओं के बारे में सटीक और सही जानकारी के साथ साथ उसकी प्रयोग की विधा को जान सके। क्योंकि मुद्राओं के द्वारा हमारी आंतरिक अंगों, ग्रंथियों, स्नायुओं के व्यायाम की प्रक्रिया है। इसके साथ महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया और जुड़ी है, जो हमारे अंदर की प्राणिक ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, इस प्राण ऊर्जा का रूपांतरण इसमें सन्निहित है। मुद्रा आत्मशक्ति के अभिव्यक्ति का साधन है। हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति इस मुद्रा के माध्यम से होती है। हम जैसे बैठते हैं, हमारे बैठने की स्थिति, हमारे मुखमंडल की जो भाव भंगिमा है, ये सभी वो आत्मशक्ति अंदर में विद्यमान प्रकाश पुंज, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में ऊर्जा अभिव्यक्त होती है। और जो अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से होती है, वो सारी मुद्राएं हैं। आनंद श्री की प्राप्ति, मुद्रा का अर्थ कहा गया है तंत्र शास्त्र में, जिस तंत्र लोक है इसमें कहा गया है आनंद श्री की प्राप्ति। मोदन्ते हृदयन्ति यया सा मुद्रा यंत्रिता स्वर्णा ही धातु मया वा, कहा गया है कि जिसके द्वारा सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं वह मुद्रा है। जैसे स्वर्णादि बहुमूल्य धातुएं प्राप्त करके व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, वैसे ही संत महात्मा इस मुद्रा को प्राप्त करके जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे वो अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। चूंकि मुद्रा मुद धातु से उत्पन्न हुई है, मोद या आनंद प्रदान करने वाली कहा गया है, देवताओं को प्रसन्न करने वाली तथा सिद्धों को अत्यंत प्रिय है ये मुद्रा। हट प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मा राम जी ने कहा है, गोपिना गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम, अर्थात इन्हें रत्नों की तिजोरी कहकर अत्यंत गुप्त रखने का उद्देश्य दिया गया है। स्वच्छंद तंत्र में तो मुद्रा की तात्विक व्याख्या करते कहा गया है, मंत्र तो ज्ञान शक्ति है परमात्मा की, लेकिन मुद्रा को परमात्मा की क्रिया शक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। जीवन में कुछ भी अभिव्यक्त होता है, वे सभी मुद्रा के रूप में ही अभिव्यक्त होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मुद्रा समम किंचित सिद्धिदम चीति मंडले, मुद्रा के समान सिद्धि प्रदान करने वाला इस धरती पर और कोई नहीं है। अर्थात
मुद्रा जीवन के प्रत्येक गतिविधियों में, प्रत्येक क्रम में हमारे साथ प्रयोग होने वाला है। इसलिए साथियों, जीवन में अपनी प्रत्येक मुद्राओं को ध्यान दीजिए। आप किस स्थिति में हैं? जो आप अभी टीवी मेरे पास इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस समय अपनी स्थिति देखिए, अपनी मुद्राओं को देखिए। आप किस स्थिति में हैं, किस भाव में हैं? कहीं ना कहीं हमारे जीवन को ये प्रभावित कर रहा होता है। मुद्रा के वैसे दो समान अर्थ है, आप बड़े ध्यान समझिएगा। क्योंकि हम मुद्रा, रुपया, पैसा भी इसका अर्थ होता है, और दूसरा शारीरिक स्थिति, जिस स्थिति में बैठे हैं, प्रसन्न मुद्रा या दुख या कष्ट की मुद्रा, ये हमारी शारीरिक स्थिति है। तो ये रुपया, पैसा और शारीरिक स्थिति, क्योंकि हम लोग जिस मुद्रा के बारे में चर्चा करते हैं, वो बॉडी की पर्टिकुलर स्थिति है, चाहे वो बैठने की स्थिति हो, आप कहीं सब उसको आसन करते हैं। आसन तो एक क्रम है, एक अलग से पोस्चर है, लेकिन उससे जो ऊर्जा अभिव्यक्त होती है, उस अभिव्यक्ति ही मुद्रा है, जो हमें आनंद और प्रसन्नता प्रदान करती है। साथियों, रुपया पैसा विनिमय का साधन है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। आप किसी को 1 रुपये देते हैं, वो उसके बदले में आपको कुछ वस्तुएं प्रदान करता है। दैट इज ए विनिमय, एक्सचेंज, आदान प्रदान करने की तकनीक है। वैसे ही सूक्ष्म ऊर्जा का आदान प्रदान इन हस्त मुद्राओं के द्वारा और यौगिक मुद्राओं के द्वारा प्राणिक ऊर्जा का विनिमय होता है। एक्सचेंज करते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण शारीरिक ऊर्जा है, जो कि मित्रों हमें भौतिक संसार की वस्तुओं की नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। उस आध्यात्मिक ऊर्जा को यदि प्राप्त करना है, जीवन में रूपांतरण की घटनाएं घटित होते देखना है, तो निश्चित तौर से हमें मुद्राओं के बारे में सटीक और सही जानकारी हस्तगत करना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थों में मुखमंडल के विशेष जो भाव भंगिमा है, और भाव भंगिमा की जो स्थिति है, उसी को मुद्रा कहा है। द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फेस इज कॉल्ड मुद्रा। आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, चाहे कथक नृत्य हो या भरतनाट्यम, सभी में कहीं न कहीं इस मुद्राओं के बारे में अभिव्यक्ति है। बिना कुछ कहे पूरे के पूरे कथा सार सामने अभिव्यक्त कर देना, ये मुद्रा का ही चमत्कार है। मुद्राओं के माध्यम से मित्रों अपने क्रोध, अपनी प्रसन्नता, अपने अंदर के उल्लास, सभी को हम लोग अभिव्यक्त कर सकते हैं। जीवन के लिए मुद्रा बहुत ही आवश्यक है। अब मुद्राएं, हमारे ऋषि ने कहा है कि मुद्राएं मानव शरीर रूपी महायंत्र की नियंत्रक तालिकाएं हैं, स्विच बोर्ड है ये। जैसे आप अपनी ट्यूबलाइट या पंखा कहीं भी यदि ऑन करना चाहते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही फैन ऑन हो जाती है, चलने लगती है। वैसे ही हमें शरीर रूपी जो महायंत्र है, परमात्मा ने जो बना कर दिए हैं, साथियों मुद्रा रूपी तालिकाओं से, स्विच से मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण तात्विक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, शारीरिक परिवर्तन बिना किसी बाहरी सहायता से सरलता से लाए जा सकते हैं। अर्थात आप अपने हाथों में उंगलियों को जैसे ही एक से अंगूठे से किसी दूसरी उंगली को टच किया, वैसे ही आपके अंदर में एक प्राणिक ऊर्जा का एक्सचेंज, विनिमय, आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम आपको अगले कड़ी में देते ही रहेंगे, क्योंकि आपको ये प्रथम भाग है, इसके बाद द्वितीय, तृतीय, इस क्रम में चलता रहेगा। आप अगली कड़ी देखना बिल्कुल ना भूलें। आप, हम चर्चा ये कर रहे थे कि ये हमारी जो तात्विक, हमारी जो स्विच बोर्ड है, तालिकाएं हैं, ये हमारे अलग अलग मुद्राओं के द्वारा अभिव्यक्त होता है, या अन्य शब्दों में यूं कहा गया, जीवन ऊर्जा की अभिव्यक्ति इन्हीं मुद्राओं के माध्यम से होती है। तो साथियों, इन स्विच बोर्ड को आपको जानना है। जीवन में यदि कहीं अवरोध आपके पास है, कहीं रुकावटें आई है, आप मानसिक रूप से कहीं परेशान हैरान हैं, यदि जीवन में किसी प्रकार से आपके शारीरिक और मानसिक रोग आपको घेर रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप उस स्विच को ऑन नहीं किया है, वो भी बंद है। प्लीज आप उस स्विच को ऑन कीजिए, ताकि आपके अंदर परमात्मा के दिव्य व दिव्य प्राण, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लग जाए, और आप प्रसन्नता से और खुशी से आप क्या है, झूम उठें।
तो ये प्रसन्नता और खुशी आपके जीवन में आए, इसलिए मुद्राओं का प्रयोग जरूरी है। आप मुद्राओं का प्रयोग जरूर करें। आप मुद्रा के दो प्रकार हमारे शास्त्रों में चर्चा की गई है, एक है प्राणायामिक मुद्रा जिसे योगिक मुद्रा कहते हैं, दूसरा है अप्राणायामिक मुद्रा जिसे हस्त मुद्रा कहते हैं। इस हस्त मुद्रा को मंत्र शास्त्र ग्रंथों में अंगुली सन्निकर्ष भी कहा गया है। अंगुली सन्निकर्ष का मतलब उंगलियों को मिलाकर की जाने वाली मुद्राएं, जिसको हम लोग हस्त मुद्रा के रूप में जानते हैं। और मित्रों, इसका प्रयोग इतना जादुई है, इतना चमत्कारिक है, आप हमारे इस क्रम को कड़ी को देखते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, आश्चर्यजनक परिवर्तन होने वाला है। प्राणायामिक मुद्रा जिसे योगिक मुद्रा कहते हैं, ये आसन प्राणायाम बंध तीनों के संयोग से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। कुंडलिनी मीन्स मित्रों जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। मानव शरीर के अंतर्निहित प्राणिक ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को जगाने के लिए योग के ग्रंथों में जिन मुद्राओं की चर्चा की गई उसमें आसन प्राणायाम बंध तीनों का ही संयोग होता है, तब कहीं जाकर के योगिक मुद्रा है। और मित्रों, मैं आपको ये चीज बता दूं, ये सभी गुरु गम्य है, प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शन में ही हमें करना चाहिए। ये आपके लिए एक सावधानी के रूप में मैं बताना जरूरी समझता हूं। तो गुरु का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के द्वारा ही योगिक मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। बात है दूसरी जो मुद्रा है, अप्राणायामिक या हस्त मुद्रा। इसमें आसन की विशेष सामान्य कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी स्थिति में बैठे हैं, कुर्सी में हैं, चल रहे हैं, किसी भी स्थिति में हैं, और बिना ही प्राणायाम के श्वास प्रश्वास के सामान्य क्रम के ही हम लोग, और न ही दृष्टि किसी एक स्थान पे एकाग्र करने की आवश्यकता है, केवल उंगलियों को मिला करके, विशेष स्थिति में मिला करके हम अपने जीवन ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। और इसी टेक्निक को हम लोग हस्त मुद्रा कहते हैं। और इसका चर्चा मित्रों मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारे मंत्र शास्त्र और तंत्र शास्त्र ग्रंथों में विशेष तौर से वर्णित है। इसके लिए प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ मार्गदर्शन तो चाहिए आपको। इसके लिए मैंने अपनी पुस्तिका भी आपको दिखा दी थी, और साथ ही साथ यदि आप इस सीरीज को देखते रहें तो निश्चित तौर मानिएगा कि आप हस्त मुद्राओं के आप एक अच्छे जानकार, एक अच्छे योग गुरु के रूप में आप समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो साथियों, हमने जो चर्चा की है इन मुद्राओं के बारे में, इन दूसरी कड़ी अगली कड़ी में हम लोग जो देखेंगे कि इन मुद्राओं का प्रयोग कैसे, अलग अलग मुद्रा का प्रयोग करेंगे, इसकी सावधानियां क्या है, कितने समय तक कर सकते हैं, किस स्थिति में करें और किस स्थिति में ना करें, इन सभी के बारे में चर्चा हम अगली कड़ी में देखेंगे। आप जरूर इसके अगली कड़ी सेकेंड नंबर कड़ी को जरूर देखें। और यदि आपको ये पुस्तिका मंगवानी है तो आपके यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं 7055455521 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी हमारी पुस्तिका है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सभी उपलब्ध है। इसको ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं और ऑफलाइन भी, दोनों स्थिति में आप हमसे फ़ोन से कॉन्टैक्ट करके आप मंगा सकते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और अपने साथियों को इसको शेयर कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपको इसी प्रकार के बहुत ही अच्छी सटीक जानकारी जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है आपको यहाँ से प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद आपसे ध्यान से सुने इसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, प्रणाम।